सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देखिए ग्राम पंचायत पाखल में नौराधीन जो नए तरीके से सरकार स्कूल की बिल्डिंग तो जुनेजा जी के द्वारा किया गया तो उसमें उनके गांव के लोग स्वागत कर रहे हैं फूलमालाएं डाल करके। आप साइड हो जाओ जी। आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं सीधे लाइव तस्वीरें और हम ग्राम पंचायत पाखल में भी इस समय जुड़े हुए हैं। और आप देखें यहाँ पर महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है और आप यहाँ के युवा बुजुर्ग सभी साथ साथ खड़े हुए। जुनेजा जी जिनका स्वागत भव्य तरीके से किया जा रहा है, आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। आप देखिए सीधे तौर पर देख रहे हैं जुनेजा जी आशीर्वाद दे रहे हैं जो यहाँ के सरपंच हैं निर्वर्तमान जो वर्तमान में सरपंच हैं पाखल गांव से वो उनके साथ खड़े और उद्घाटन करने का काम कर रहे हैं। आप देखें कि सरकारी स्कूल आप देखिए सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं ग्राम पंचायत पाखल में आज पहुंचे हैं जुनेजा जी जो कि मैनकाइंड फार्मा के चेयरमैन हैं और उन्होंने सरकारी स्कूल की बिल्डिंग को अपने सीएसआर के तहत पैसे से नवनिर्माण इस बिल्डिंग का कराया। आप देख भी रहे हैं इस समय ग्रामीण के साथ महिलाएं महिला सरपंच इस समय मौजूद है और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे।
आदर व सम्मान के योग आज इस विशेष मौके पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री रमेश जुमेजा जी अध्यक्ष मेन टाइम फार्मा। सर्वप्रथम मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मेरे गांव के पूजनीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति और हमारे बीच उपस्थित हमारी गांव की सरपंच महोदया श्रीमती भारती देवी और हमारे बीच खेड़ी गुजराम के वर्तमान सरपंच रणबीर लोहिया जी, गिरिराज सरपंच जी, हमारे मोहताबाद के सरपंच पूर्व सरपंच भाई पप्पू देवेंद्र भराना जी, हमारे पूर्व सरपंच देवपाल भराना जी और आप सभी उपस्थित हमारे यहाँ पूर्व सरपंच नंबरदार साहब बड़े बुजुर्ग, मैं आप सबका यहाँ इस आंगन में आप सबका स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम जैसी रस्म है कि हमारी जो सरपंच है वर्तमान वो साहब का गुलदस्ता लेकर उनका स्वागत करें। सरपंच साहब बेटी भारती ले आप देखें किस तरीके से स्वागत किया है गांव के जो सरपंच हैं। मैं हमारे पूर्व सरपंच गिरिराज सरपंच जी से अनुरोध करूंगा वो भी आए और साहब का पुस्तक लेकर स्वागत करें। हमारे गांव के नंबरदार भी है जी, सरपंच भी है, मंत्री भी है, सारी पार्टी हमारे भी है। आपको कुछ बोलने का नजारा दिखा देता हूँ। आपको 2016 में यहाँ का निर्माण हुआ था और अब आप सीधे हमारे जोड़ में आपको तस्वीर दिखा हमें वर्तमान देता हूँ। मैं देखती भारतीय की अगुवाई में सभी सरपंच कहलाते हैं Thank you.
भाई पंकज जो काफी सोशल है हमारे बीच, वो भी आए साहब का पुत्र लेकर स्वागत करें। एक भाव है जो हमने और सारी विचार बिछाने से पहले था तो ये मन भाई बात में रखते हैं, लेकिन क्योंकि फिर अपनी बात करते रहेंगे, जो गांव की तरफ से और सरपंच साहब की तरफ से एक मोमेंटो जो साहब की सेवा में लेकर आए हैं, मैं अनुरोध करूंगा इधर से मेहमत चतर सिंह जी भैया तो हम जी कुछ ऐसे अपने बड़े बुजुर्ग चार आदमी आगे से आ गया भैया आग पा रहे आप आए और मोमेंटो गए न्यू है तो खड़े हो थोड़े खुले खुले हो जाओ जी, अच्छा जी हाँ थोड़े खुले खुले हो जाओ, फोटो आ जाएंगे पढ़ाता हुआ आप इस विशेष मौके पर, इसको विशेष मौका क्यों कह रहे हैं साहब, अपने यहाँ एक व्यवसाय जरूर चलाते हैं लेकिन ऐसा कोई व्यवसायी या ऐसा कोई फार्म हाउस मालिक या ऐसा कोई भी सोशल आदमी हमारे इलाके में नहीं आया। बहुत पहले हमारे यहाँ डॉक्टर शंकरदास शर्मा जी जो पहले हमारे राष्ट्रपति रहे उनका भी यहाँ फार्म था, उनके बेटे भी शर्मा जी आया करते थे। हम जब मैं गलती से सरपंच था तो हम पांच आदमी डेलीगेशन के रूप में उनसे मिले, उन्होंने कोई रुचि इस गांव के विकास में नहीं ली। सिर्फ एक परिवार से पहले 97 में विकास ऑफ का यहाँ एक कंपनी है फरीदाबाद के अंदर कई की कंपनी है, राकेश शर्मा जी आपका स्वागत। राकेश शर्मा जी उन्होंने कुछ कहकर चैरिटी उस पर कोई गाँव ऐसा हम कर सकते हैं गाँव में तो आप कर सकते। मैं उनसे मिला, हमारे यहाँ सुविधा होगी होगी थी जिसमें
होने के नाते हमारे पड़ोसी भी है और घर के मेंबर भी है, हम भी अपनी तरफ से ये आश्वासन देते हैं कि ये इलाका, ये गांव पूरी तरह कहीं भी किसी तरह का भी चाहे वो कर लीजिए, मैं मान रहा हूं हमेशा आपके साथ है। और बाकी तो मैं वेदपाल सरपंच जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए अपनी बात। आदर सम्मानित, आदर और सम्मान्य हो गया जुड़े जाने, आप हमारे गांव में आए इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका गाँव बाबू की तरह से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप गांव वालों को किसको पता था किसको नहीं पता था, आपने 50 लाख रुपया इस हमारे स्कूल में लगाया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी पीछे दिक्कत आ रही थी बच्चों को पानी वगैरह की, तो आपने वो भी आरो लगवाया, जो भी हमारे स्कूल में आरो भी लोगों की तरफ से लगा, जुड़े साहब की तरफ से लगा। और सारे काम जो भी काम है, कोई दिक्कत है प्रॉब्लम है, हर चीज के लिए ये हमारे साथ खड़े रहते हैं। और मैं तो साहब ये कहना चाहेंगे, हमारा गाँव है छोटा सा, आप देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मैनकाइंड कंपनी, इतनी बड़ी कंपनियों पूरे देश में तरक्की कर रही है आपकी, और हम तो कह रहे हैं 100 गुना तरक्की करें, आप बढ़ोगे तो थोड़ी बहुत छुट्टी हम भी कर देंगे। और जो है तो हमारे गाँव में वैसे तो आज हमने आपका स्वागत के लिए ही बुलाया था, लेकिन तो बुलाया तो हमारी छोटी सी समस्या है, दो तीन लोग आपके पास सामने भी रखना चाहता हूँ गाँव की तरफ से। एक तो जुड़े साहब हमारे यहाँ ना बच्चे हैं, बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है, हमारे को आपके होटल के पास में हमारे यहाँ 6 एकड़ जमीन पड़ी है जो आपकी होटल की सुंदरता भी बढ़ाएगी और हमारे बच्चों का खेलने के लिए भला हो जाएगा, वहां पे आप एक स्पीकर बढ़वा दीजिए। और एक छोटी सी काम है कि जो बड़का पेड़ खड़ा अड्डा आप गाँव की, हमारे किसान है 3 गाँवों का अड्डा, सब 3 गाँवों के लोग यहाँ उतरते हैं, यहाँ से पैदल पावटा भी जाते हैं, मोहताबाद भी जाते हैं, पागल के भी जाते हैं, इसका यहाँ पे हम चाह रहे हैं इसका सुंदरतीकरण कर दे, उसके लिए यहाँ पे मतलब वैसे तो नहीं कर सकते, पंचायत भवन का नाम देखे सामुदायिक भवन, जिसमें ज्यादा नहीं 10-1 लाख रुपए का नारा खर्चा लगेगा, और ये यहाँ बन रहा है पटके पेड़ के नीचे, जो लोग आते जाते वो भी उसके नीचे बैठे, सुंदरता भी बढ़े और अच्छा भी लगे। हमारी छोटी सी विनती आपसे ये है, ये अगर हो सके तो आप करेंगे, और हम पूरे पंचायत मैं अपने सभी पंचों से भी बात किया, पहले भी आपने देखो किसी बुजुर्ग को सहन ना पाता हो, पहले भी आपने बहुत काम किया, अब डिस्पेंसरी चल रही है वहां पे, पावटे के भी, नए गांव के, गोटरा के, बाहर के, पाखल के, सब बुजुर्ग वहां से दवाई ले रहे हैं, तो वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसको आप पूरी तरीके से सुचारू रखें, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं जो दवाई नहीं ले सकता, कुछ कर सकता, उनका काम आज चलता रहे, तो हमारी तो ये छोटी सी समस्या है जिन्हें सब, बाकी आपकी मर्जी है, कोई जोर नहीं, कोई दबाव नहीं हमारी तरफ से। और दूसरी बात ये कि आपने 4-5 लड़कों को हमारे गांव वालों को रोजगार भी दे रखा, यही जो नॉलेज है कि 5-7 लड़के आपने अपनी कंपनी में रोजगार भी दे रखा, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे बच्चों को आप रोजगार भी दे रहे हो, गाँव में विकास भी करा रहे हो, और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। हमारी तरफ से पूरी पंचायत पूरा गाँव आपके साथ खड़ा है, आपको जो मदद चाहिए यहाँ से होटल तक का कोई भी काम कराना हो, शुद्धकरण कराना हो, पैसे आप लगाओ, हम आपके उसमें देसी कंधा मिला के खड़े रहे। आप हमारे गाँव में आए इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि आपको नमन करते हैं। आप ऐसे घुमा दीजिए सब, बस हमारी तरफ घुमा दीजिए, ये तो 100% हम आश्वस्त हैं।
आपने आपके बीच मैं फिर कहता हूँ कि मैं कहूंगा कि जुनेजा जी हमारे देवता स्वरूप है और देवता कौन होता है जो देता है, देवता वही होता है जो हमें देता है। तो भाई हमें दे रहे तो हमारे लिए देवता। और ये मैं यहाँ तक कहता हूँ कि मैं तो साफ ही बात कर रहा हूँ, जो इनके इर्द गिर्द जो सेवाएं देखते हैं भारद्वाज साहब है, मुझे मैं वैसे नहीं या ज्यादा नहीं कहना चाह रहा था, तो आप साहब में थे भारद्वाज साहब है हमारे और साथी हैं, जब इनकी हम बातचीत सुनते हैं कितनी सकारात्मक और कितनी एक तरह से आध्यात्मिक लहजे में इनका जो स्वभाव प्रस्तुति होती है, मैं वाकई इन सबसे प्रभावित हूँ। तो जब देवता है तो देवता के जो सेवक दाएं बाएं होते हैं उनका भी स्वभाव भाव वही है, पता लगता है कि भाई आपकी भाषा कैसे मुखिया के मुताबिक ही घर का रूप होता है। तो अब मैं ज्यादा ना कहते हुए साहब को निवेदन करूंगा कि वो अपनी तरफ से एक हमें आशीर्वचन कर। धन्यवाद सरपंच महोदया भारती जी, जो ये शो करता है कि हमारे मेला समाज का कितना बड़ा रुतबा इस देश में हो रहा है, इसका ये कारण ये हमारे सामने बैठी जीती आगे बोल रहे हैं प्रभात जी, अजीत साहब, और सबसे ज्यादा मेरे लिए माननीय मेरे बुजुर्ग जो सामने बैठे हैं मेरे, आज का एज, अब जो एज है वो माताओं और बहनों का, जितनी तरक्की ये करेंगे उतनी हमारा समाज हमारा परिवार तरक्की होगा। अब आप कहते हैं मैं बड़ा खुश हुआ भारती जी को देखकर यहाँ कि यहाँ सरपंच है और ये कार्य काम में लगी हुई मेरे प्रभाजों का साथ दे रहे हैं, हमेशा काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आज के यूथ जो बैठे हैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने माता पिता का अपने बुजुर्गों का सम्मान जरूर करें, सबसे ज्यादा जरूरत नौजवानों की, सबसे जरूरत बुजुर्गों के प्रति, माँ बाप के प्रति, बहनों के प्रति, माताओं के प्रति ज्यादा होनी चाहिए। कोई भी फैमिली पढ़े लिखी तब है जब घर मामले फैमिली माँ पढ़ेगी ज्यादा अच्छी हो। अगर ये पढ़ी लीजिए आप अपने अपनी शादी करते हो तो कितनी पढ़ी लीजिए मेरी होने वाली जीवी पता करते हो ना, तो ये ऐसे ही है, तो शिक्षा का ध्यान बढ़ेगा तो इससे और भी आगे बढ़ेगा। इस स्कूल को ठीक कराने के लिए सबसे बड़ा मेरा ध्येय था इस गांव में एक ऐसा स्कूल है जहाँ पहली जमात से बच्चे लेकर केजी से लेकर पांचवी तक बच्चे जो है ये सेफ एनवायरमेंट में पढ़े और अच्छा पढ़े, पीने का पानी अच्छा स्वच्छ मिले इनको। मैं एक चीज आज कह रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, ऐश्वर्य नोट कर रहा हूँ, इस स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं हफ्ते में एक बार इनको फ्रूट दो फ्रूट आपके बने किसी वजह की ड्यूटी लगा हर बच्चे को दो फ्रूट हफ्ते में एक बार जोर दिया जाए, ठीक है। जब अब आता हूं मैं स्वास्थ्य की बात, जितना अच्छा हमारा चारों तरफ का हॉस्पिटल है गंदगी रहेगी तो स्वास्थ्य भी खराब होगा। आप कितनी मर्जी दवाई खा लें, जितनी मर्जी अच्छी अच्छी खुराक ले लें, कुछ भी कर लें, अगर गंदगी से इन्फेक्शन होते हैं, इन्फेक्शन से मलेरिया जैसे प्रॉब्लम आती है, डायरिया होता है, इनके पेट खराब होता है, सब चीज ऐसी होती है उससे सेहत खराब होती है। जब हमारी सेहत अच्छी नहीं होगी तो हम क्या करें, कुछ भी कर लें, कितना मर्जी खा लें। इसलिए अपने आस पास का जो एटमोसफेयर है वातावरण स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। ईश्वर ने हरा गांव दिया है, आपको पोल्यूशन की कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कि शहरों में हम फेस करते हैं, ये ईश्वर की सबसे बड़ी देन आपके लिए है। गांव में रहते हैं स्वस्थ होने के कारण, ये स्वस्थ के कारण ये भी है, लेकिन अपने चारों तरफ हम सफाई रखें उतना अच्छा। हर बच्चे को रशनी, हर बच्चे को यहाँ पर डिटोल का एक साबुन और इंटरवल हाथ धोने की शीशियां, और उनको टीचर्स को समझाएं, जो टीचर्स हैं वो समझाएं उनको कैसे सिखाते हैं, बच्चे घर ले जाए साबुन से हाथ धोए, नाम सिखाएं उनको और वहां, ये भी जरूरी है। देखिए स्वास्थ्य का होना सबसे ज्यादा जरूरी है,
हम पढ़े लिखे ना ही होंगे अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप अपने बच्चों की देखभाल कैसे करोगे जब आप स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यहाँ डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी को पूरा यूज करें, कोई प्रॉब्लम हो तो अश्विनी बैठे अश्विनी को बताओ, अश्विनी आपकी सारी प्रॉब्लम हो करेगी। मैं चाहता हूँ कि सड़क पर की बात करिए आपने, कि सड़क पर जो है सारी गंदगी हट जाए, सफाई हो जाए और लाइटें हम तो वहां दूसरा स्कूल है उसमें भी जो आपने कहा है उस स्कूल में भी हम जो चाहे आप चाहे कर आपने कहा है कि यहाँ पर वो बनाना है अपना सामुदायिक या क्या बोलते उसको कॉमन कॉमन उसको हम बनाए। और मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, सफाई जरूर रखें, यहाँ जो आए वो ये देखिए कि गांव कितना साफ है, आइडियल विलेज जिसको कहते हैं ना, आइडियल विलेज में या हिंदी में क्या बोलते आदर्श गांव, आदर्श गांव उसके लिए सफाई के लिए कर्मचारी एक दिया, मैं दूसरा ही उनको बुलाया कि एक और बंदा रख के और सफाई मच्छर पैदा होगा मलेरिया घर में आएगा। इन चीजों का स्वास्थ्य के प्रति हमारे, क्योंकि मैं दवाई के बिजनेस में हूँ तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य बहुत जरूरी चीज है और होना भी चाहिए, जब मैं दवाई का ना भी काम करूँ तब भी स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। और मैं अपनी बहनों माताओं से कहूंगा कि अपने घर में भी आप सब सफाई रखें और जो सफाई है अपने बुजुर्गों के अपने हस्बैंड के अपने भाइयों के अपने बच्चों की सफाई का बहुत जरूरी है, और जो चीज आपको जरूरत है हमें बनाए हम आपके घर में विश्वास और ये सबसे स्वस्थ गांव हो, जो दवाई की शॉर्टेज होगी या कोई कमी होगी मैं बाजार से बना के दूंगा, उसकी चिंता ना करो। किसी बुजुर्ग को कोई ज्यादा प्रॉब्लम है अगर शहर के हॉस्पिटल में भर्ती कराना तो मैं करा दूं, वो भी घर जाना करूँ। आप सिर्फ सफाई रखें और हरा हरा खाना खाएं, हरी सब्जी खाएं जिसे हम बोलते हैं, और दाल और ज्यादा सब्जियों में खाएं, बाहर की चाल पकौड़ी कम खाएं जिससे नुकसान करता है क्योंकि उसमें धूल उड़ती है मिट्टी पड़ती है, इस सबको बच्चों को ना खाएं। तो इसलिए जरूरी है कि आप स्वास्थ्य का एजुकेशन का और अपने एटमोसफेयर का जो आपका वातावरण स्वच्छ इन चीजों तीन चीजों का ख्याल करेंगे तो ये गांव बहुत जल्दी तरक्की करेगा। ये स्कूल इसमें स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए फूड वूड वगैरह खाते जो भी है, और उधर भी जो सरपंच साहब ने कहा है कि मैं वहीं वहाँ ठीक है सारी चीजें देखेंगे, और इसके अलावा भी कभी कोई चीज की जरूरत पड़े तो आप अश्विनी को बता सकते हैं, लेकिन ये होने इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, मेरे लिए मेरा नहीं है गाँव जिसमें गाँव का फायदा समाज के लिए जो काम होते हैं वो समाज के इंडिविजुअल नहीं है, एक अकेला काम मेरा नहीं है, आप सारे मिलकर इनका भी माताओं बहनों भाइयों सबका फायदा ये काम है जरूर आप देख सकते हैं। और ये मैं क्या करूंगा, ये मेरा फर्ज है, मैंने कौन सा करा है, मैंने तो फर्ज बना मेरा फर्ज ही कहेगा ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं भी इस गाँव का एक मुझे मेंबर मानिए कि मैं आपके बीच हूँ, जब मेरे से मिलो या मैं आपसे मिलूं तो ये दो सलामों की क्या हाल है ये ना बड़े, अरे मैं भी तो मेरे को चार चांद लगे हैं, मिलो आराम से मिलो जब भी बाकी मिलो बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दें, हमारे वो ग्रुप है जहाँ महादेव जी आए हुए हैं वो भी आशीर्वाद दें, बैठे हैं इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, इतने बड़े लिखे लोग बैठे हैं, वकील साहब है, और सिर्फ मैं एक दूध से हमेशा कहूंगा अपने माँ बाप का ख्याल जरूर जरूर। इसके साथ मैं आपको मैं करता हूँ।
वैकेंसी का इनॉग्रेशन करने के लिए गुड़गांव जाना है मुझे। एक चीज थोड़ी सी रहेगी जिसमें मिस्टेक हुई है, जो आपने काम करवाया जो भी लेटेस्ट में भी काम हुआ पूरा काम बैठा इनको पता रखनी चाहिए। अभी अभी जो जो सुपर नया अपॉइंटमेंट हुआ उसकी तनख्वाह देंगे साहब और काम की सफाई होगी काम की हमारी, वो बंदा इन्होंने अपॉइंट करके हमें सुपर दे दिया आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।